नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है AMS एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी को नवरात्रों की फिर से शुभकामनाएं, सत श्री अकाल। तो आज फिर से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के टेस्ट पर करेंगे प्रहार। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीतीश वेलकम यू ऑल, रितेश एवरीबडी वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सेशन क्या कहता है? सेशन ये कहता है कि कुछ धमाका होना चाहिए, 1 घंटे की क्लास में मजा नहीं आ रहा, कुछ तो अलग होना चाहिए, 1 घंटे की क्लास में मजा नहीं आ रहा। कुछ साइंस के क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, और बड़ा थक जाते हैं हम शाम तक। सर कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो विद द ग्रेड ऑफ गॉड माता रानी, तो आज की क्लास हो गई ये। और क्लास के बाद सबसे पहले एक बात और बता दें, जो हमें कहने के लिए बोला गया है, SSB की इंटरव्यू की क्लास भी शुरू हो चुकी है, मैंने बताया था। और SSC CGL का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, SSC CGL का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। SSC CGL का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और मैं करने जा रहा हूं। संडे AMS की पूरी GS की टीम, यस संडे AMS की पूरी GS की टीम 7 घंटे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे लगातार आपको SSC CET और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। 7 आवर्स की मैराथन GK GS और करंट अफेयर की क्लास होगी। और क्लास सुबह होगी 10 बजे, क्लास सुबह होगी 10 बजे, मैराथन क्लास कब? संडे को। और कल इवनिंग में कोई क्लास नहीं होगी, आप अपना रिवाइज करेंगे, संडे को होगी आपकी मैराथन क्लास। तो उसका भी यस, आदित्य सर भी उसमें क्लास लेंगे, साइंस का और मिसलेनियस का पोर्शन करेंगे। यस संडे को तैयार हो जाइए, एक तूफान एक्सप्रेस के नाम से 7 घंटे की मैराथन क्लास। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें अंकित सर, आदित्य सर, मैं और एक और जबरदस्त फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, ठीक है? एक और जबरदस्त फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। तो संडे की मैराथन क्लास सुबह 10 बजे आप तैयार हो जाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आंसर देंगे सारे बच्चे। प्रतीक कौशिक वेलकम है। प्रतीक कौशिक वेलकम है आपका। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अमरावती और महाराष्ट्र में अकोला के बीच एक लेन में 75 किलोमीटर बिट्यूमिनस कंक्रीट की सबसे लंबी राजमार्ग लंबाई को कितने समय में पूरा करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक का रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 75 किलोमीटर, यस 75 किलोमीटर। और जी आपका बिट्यूमिनस कंक्रीट की और बाकी क्या कहता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर करेंगे भाई, ऑप्शंस आर 105 घंटे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 105 घंटे और 33 मिनट, 110 घंटे और 33 मिनट, 115 घंटे और 33 मिनट, और आपका 125 घंटे और 33 मिनट।
जल्दी से आंसर करेंगे। संजय कुमार ने आंसर भी किया है, शिवानी देशवाल ने आंसर किया है। वाह भाई वाह, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल आंसर किया है जी। 105 घंटे और 33 मिनट। जल्दी से भाई एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, बता दीजिए कि काम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से, पिछकल क्वेश्चन कुछ कम हुए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आज बातें कम काम ज्यादा। अभी तक आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इससे कैंसर हो सकता है, ऐसा कुछ लिखा आता है। क्या कभी आपने देखा है कि सिगरेट पे ही लिखा हो? यस, क्या आपने कभी देखा है कि सिगरेट पे लिखा है, जैसे सिगरेट होती है उसका रैप करते हैं उसको, क्या आपने भी देखा उस रैप पर भी कंपल्सरी लिख दिया गया है? तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कौन सा देश जिसने प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी मुद्रित करना आवश्यक कर दिया है? Which is the first country of the world which has made it mandatory to print a warning on every cigarette? हर एक सिगरेट पे लिखा होगा कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। वाह भाई वाह, बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया जी। जोगिंदर बलारा जी आए हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इन एवरी सिगरेट इट विल बी रिटन। वाह भाई वाह, बिल्कुल कमाल कर दिया। कैनेडा इज द राइट आंसर, बिल्कुल भाई बिल्कुल, कैनेडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बच्चे नो बच्चों ने देखिए इस तरीके से सिगरेट पर लिखा आएगा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। पहले किस पे आता था, सिर्फ पैकेट पे लिखा आता था सिगरेट स्मोकिंग, लेकिन अभी इस तरीके से आपका सिगरेट पे भी लिखा आएगा। और देखना धीरे धीरे और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको, और बहुत सारी कंट्रीज हैं वो इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई, क्लास शुरू हो गई है, बहुत सारे बच्चे लेट हो जाते हैं, उनकी थोड़ी सी मदद करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेकिन काम का क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेकिन काम का क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में से किस वित्तीय संस्थान या प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2022 को, डेट याद रखेंगे 5 अगस्त 2022 को, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पेशल एक कमेटी बनाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी ऑन अगस्त 2022 अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दी कंट्री? आंसर करेंगे भाई सारे बच्चे, ऑप्शंस में साइड में भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एसोचैम और नेस्कॉम। नेस्कॉम को मैं साइड में लिख देता हूं, ये आपका डी ऑप्शन है, सी आपको दिख रहा है, ये आपका डी ऑप्शन है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तेजस सी आंसर दिया है किसी बच्चे ने, देखते हैं ये ठीक आंसर या गलत आंसर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखिए इंडिया में अगर पैसे की बात करें तो हम बताते हैं कि वो जो पैसा आता है ना वो अलग अलग तरीके से आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सर डी ऑप्शन नहीं दिख रहा, डी ऑप्शन बेटा इधर लिख दिया नेस्कॉम। बेटा क्या होता है मैं आपको बता दूं, फॉरेन अगर इंडिया में जो बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा बाहर से आता है। अलग अलग आपने देखा होगा कई बार अलग अलग नेता अलग अलग जगह पे जाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी यहां पर आती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन फाइनेंस से एक आध बार आ जाता है, इकोनॉमिक्स से एक बार आ जाता है। तो आंसर देखेंगे, कुछ बच्चों ने आंसर अलग दिया है, कुछ बच्चों ने आंसर अलग दिया है, तो इसका ठीक आंसर मैं बताने जा रहा हूं। अगर जिसको नहीं पता, दिस इज द करेक्ट आंसर, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। प्लीज नोट इट डाउन, सेबी ने क्या किया है कि आपकी कोशिश करी है कि एक 15 सदस्यीय समिति को बेसिकली उन्होंने
कोशिश करें 15 सदस्यीय समिति यहां पर बनाई जाए और इसके लिए जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए या उनके लिए कोई इस तरह की प्लानिंग दी जाए ताकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, जिससे यहाँ पे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और कंट्री में पैसा भी आता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सेबी इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काम का क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है या किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as a acting president of International Hockey Federation? Options are सैफ अहमद, options B ब्रजेश उपाध्याय, option C अल्वोरो लारियो, option D मिलबर्ट होंगेबो। आंसर करेंगे भाई जल्दी से, आंसर करेंगे भाई जल्दी से, व्हाट विल बी द राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर। What will be the right answer? जल्दी से बताएंगे बच्चों ने आंसर देना शुरू किया है। वाह भाई वाह, ऐसा लग रहा है कि आप लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा सीरियस हो गए हो। अगर क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। प्लीज आंसर करेंगे बाकी स्टूडेंट भी। चलिए, मिश्र, मिश्र के सैफ अहमद इज द राइट आंसर, मिश्र के सैफ अहमद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिन्होंने भी ये आंसर दिया दैट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, और अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। 15 जून 2022 को भारत के पहले स्टील स्लैग रोड, स्टील स्लैग रोड इंपोर्टेंट है जी, स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया, स्टील स्लैग रोड रट लेंगे इसको। ऑन जून 15, 2020 इंडियाज फर्स्ट स्टील स्लैग रोड वाज इनोग्रेटेड, यानी कि रोड में एक नई, या आपके जितनी भी सड़कें उसमें एक नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, दैट इज स्टील स्लैग रोड। स्टील स्लैग रोड कहां पर बन रहा है? ऑप्शंस आर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट। आंसर देंगे भाई जल्दी से, बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, बी आंसर दे रहे हैं। आपको एक स्टील स्लैग रोड इस तरीके से बनता है, ध्यान देना, देखना एक बार क्वेश्चन को, दिस इज द स्टील स्लैग रोड। अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो इस तरीके का जो रोड बनता है, दैट इज स्टील स्लैग रोड। ध्यान देंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेक्नोलॉजी पहली बार यूज हुई है, इस तरीके से स्टील स्लैग रोड बोला जाता है इसको, इस तरीके से स्टील का वो बनाया जाता है, ये आप देख रहे हैं, और ये इंडिया में टेक्निक यूज हुई है। तो आंसर देंगे इसका, आंसर देंगे इसका, दोबारा से क्वेश्चन में ला देता हूं, आंसर देंगे इसका, आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी सूरत। सिक्स लेन हाईवे है, बिल्कुल भाई सिक्स लेन हाईवे है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा बनाया गया है, 6 लेन हाईवे है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा बनाया गया है, 6 लेन हाईवे 1 किलोमीटर। चलिए आंसर है बिल्कुल सूरत, जिस बच्चे ने सूरत आंसर दिया है दैट इज द करेक्ट आंसर, सूरत आंसर दिया है दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर से बता दूं, सूरत इज द करेक्ट आंसर, सूरत इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी आंसर दिया है, बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आप सीरियस हो गए हो, एग्जाम जैसे जैसे पास आता जा रहा है सीरियसनेस आती जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होता है हमारा स्टील स्लैग रोड। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया मिसलेनियस का, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है?
The term penalty corner is related to which following sports? Options are hockey, football, volleyball and basketball. अजय जी आपका स्वागत है. वाह भैया अजय सर, कैसे हैं आप? हॉकी आंसर दिया है बच्चों ने, हॉकी आंसर दे रहे हैं. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है. पेनल्टी कॉर्नर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है जी. वाह भाई वाह, ग्रेट. हॉकी इज द राइट आंसर. इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, टाइम नहीं लगना चाहिए था. चलिए अच्छा क्वेश्चन, एक और खेल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, कौन करता है इसका सबसे जल्दी आंसर. देखते हैं कौन करता है इसका सबसे जल्दी आंसर. बीमर खेल किस खेल से संबंधित? आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाना चाहिए. बीमर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और शतरंज. बीमर, बीमर किस खेल से संबंधित है? जल्दी से सबसे पहले आंसर दिया है श्वेता राठी ने. चलिए बाकी बच्चे, संजय कुमार ने भी आंसर दिया है. बड़ा आसान सा क्वेश्चन, टाइपिंग स्पीड बढ़ा लीजिए भाई, टाइपिंग स्पीड बढ़ा लीजिए, ऑनलाइन की प्रैक्टिस चल रही है आपकी. साहिल खत्री भी आंसर दे चुके हैं. रितेश दैया, टाइपिंग स्पीड बढ़ा भाई. चलिए आसान क्वेश्चन था इसीलिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. आसान क्वेश्चन होता है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि बच्चे आंसर करेंगे. परफेक्ट, पांचाल भी आए हैं. या जी वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर. बिल्कुल दैट इज द राइट आंसर. बड़ा आसान क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. अच्छा क्वेश्चन है, किस देश ने 1930 में, 1930 में, ये यार बीमर बिल्कुल एक बॉल होती है जो बिना टप्पा खाए सीधी फेंकी जाती है, बल्लेबाज की कमर से ऊपर आ जाती है, उसे क्या बोला जाता है? बीमर बोला जाता है. चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर, किस देश ने 1930 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? विच कंट्री हॉस्टेड द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930? ऑप्शंस आर लंदन, सिडनी, हैमिल्टन और ऑकलैंड. आंसर करेंगे प्रतीक कौशिक, 11th फाउंडेशन बैच, दीपक देसवाल, लंदन. चलिए देखते हैं गलत आंसर है या ठीक है. जल्दी से आंसर करेंगे भाई, गलत है या ठीक है. क्या हमें गूगल बाबा की जरूरत पड़ेगी कुछ बच्चों को या नहीं पड़ेगी? वाह जी वाह, संजय कुमार ने अलग लिखा है, नितेश मलिक ने अलग लिखा है. भाई संडे की मैराथन के लिए तैयार रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेपर में मिलेंगे, आई अश्योर यू, आई गारंटी यू, पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे. 7 घंटे का टाइम हमें चाहिए, साथ में ही बैठ के आप खाना खाते रहिए. सारे के सारी टीम क्लास लेगी, सारे के सारे टीचर्स क्लास लेंगे और कोई ना कोई इस तरह की अलग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके पास लेके आ रहे हैं. 7 घंटे अरुण राजपूत जी, 7 घंटे लगातार, 10 बजे से क्लास शुरू होगी, 7 घंटे कोई ब्रेक नहीं होगा, नो ब्रेक बिटवीन दिस 7 आवर्स. एंड ओनली 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी डिस्कशन इन दैट क्लास, चाहे वो साइंस है, चाहे वो जीके, चाहे मिसलेनियस है, चाहे करंट अफेयर है. जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के होंगे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जाएगा. कोई आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं होंगे कि कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा. जिस दिन एग्जाम होगा फिर से यूट्यूब चैनल पे आएंगे और यहीं पर फिर से होगा दोबारा धमाका. आंसर बताइए, आंसर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. देखिए इसका आंसर होगा हैमिल्टन, इसका आंसर होगा हैमिल्टन, कनाडा 19, ये यहां पे भाई, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. प्लीज ठीक कर लें इस क्वेश्चन को, याद कर लें, याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. पता नहीं आपने ये गलत क्यों कर दिया, आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक थे? नॉर्मन बोरलॉग जी किस देश के? नाइट के 10 बजे या दिन के भाई? रात के 10 बजे शुरू करेंगे तो आप सब सो जाओगे। सुबह 10 बजे संडे, पराठे खाते खाते लस्सी पीते पीते ही पढ़ना है। सुबह 10 बजे से लगातार 7 घंटे की मैराथन। पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये नॉर्मन बोरलॉग हैं जो आज गेहूं का उत्पादन यहां पर हो रहा है। अगर गेहूं इतना ज्यादा हो रहा है तो इनमें एक इंपोर्टेंट रोल था। भारत में हरित क्रांति के जनक अलग बोला जाता है, लेकिन जो सबसे ओवरऑल जिसने शुरुआत की थी वो करी थी नॉर्मन बोरलॉग ने। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं ये इनमें से किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और मैक्सिको। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और मैक्सिको। चलिए बताएंगे भाई आंसर। आसान क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। सी आंसर आ रहा है। वाह जी, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे बताइए भारत में, भारत की तरफ से किसका कंट्रीब्यूशन रहा था? भारत में हरित क्रांति का जनक जो इंडियन था जिसने हेल्प करी थी, भारत में हरित क्रांति का जनक, पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा उसका नाम और बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। उसका नाम बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। प्लीज टेल मी द नेम, बेसिकली हु वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पेशली दैट इंफॉर्मेशन दैट टेक्नोलॉजी वॉज स्प्रेड बाई दिस मैन। समबडी हैज राइट द आंसर। ग्रेट, वाह भाई वाह, यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। एम एस स्वामीनाथन पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। देखिए हमारा टारगेट है इस बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसएससी और एचएसएससी तीनों के इतनी प्रैक्टिस करा देनी है, इतनी प्रैक्टिस करा देनी है कि आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो सुना हुआ है, ये क्वेश्चन हमने देखा है। एएमएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ये क्वेश्चन हमारा हुआ था। और आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। देखिए ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को हमने यूटिलाइज करना है। जिन्होंने भी एम एस स्वामीनाथन आंसर दिया दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज आते हैं दोबारा से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? जल्दी से आंसर करेंगे। सर मोरटाइमर ड्यूरेंट, सर ड्यूरेंट, सर हेनरी मैकमेटन, लॉर्ड माउंटबेटन और साइरल रेडक्लिफ। और साइरल रेडक्लिफ, वाह जी वाह, आंसर आ गया है, आंसर आया है। साइरल, somebody has said साइरल, great, very easy question, लेकिन एग्जाम में इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन जिसको बताने का मतलब बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947, मिस्टर रेडक्लिफ हैज डिक्लेयर्ड अ लाइन बिटवीन, अ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है,
ये इंडिया और पाकिस्तान जो रन कच्छ का रन है वहां से लेके और ये जम्मू कश्मीर तक एक लाइन खींची गई थी वहां तक रहता है। वाह भाई वाह, प्रतीक कौशिक, ग्रेट प्रतीक कौशिक, ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता था। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत खूबसूरती से आंसर दिया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। प्रदीप सैनी, इंडियन आर्मी, वेलकम टू AMS एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका का गांधी, गांधी ऑफ दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे बोला जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार आता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो आंसर करेंगे जल्दी से। तेजस ने आंसर दिया, ऑप्शंस आर मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी और M.K. गांधी। जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, जब आसान क्वेश्चन है तो सोचना नहीं है, सीधा प्रहार, वज्र प्रहार करना है बेटा, सीधा सोचना नहीं है, वज्र प्रहार करना है, इतना आसान क्वेश्चन, नो टाइम, जस्ट यस, वज्र प्रहार। चलिए, बिल्कुल सही आंसर, और बहुत संघर्ष करा है, जैसे महात्मा गांधी जी ने संघर्ष किया था ऐसे दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए, रंग भेदभाव की नीति के लिए इन्होंने काम किया था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन का एक बुक से क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था आपकी बुक की क्लास लगानी है, बुक इंपोर्टेंट बुक करानी है, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर सॉरी 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? माई मास्टर, माई मास्टर बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन आर रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो, अरबिंदो श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और रोहिणी मिस्त्री। आंसर करेंगे भाई, आंसर करेंगे। कुछ बच्चे बहुत सटीक आंसर करते हैं, सीधा सा आंसर करते हैं, और जिस बच्चे को नहीं पता प्लीज इसको याद कर लें, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और बिल्कुल मिलेंगे क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन मिलेंगे। और परसों जो क्वेश्चन का सैलाब आएगा वो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं, परसों जो क्वेश्चन का सैलाब आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सैलाब होगा, उन क्वेश्चंस को मिस मत करना। अगर किसी को लगता है कि ये काम की बात हो सकती है, मनीष यादव जी आए हैं, अगर ये काम की बात हो सकती है तो शेयर कर देना, बता देना कि AMS की GS की टीम आपके लिए लाई है 7 घंटे की मैराथन लगातार, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत ठीक आंसर दिया है, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं, फिर भी देखते हैं कौन आंसर देगा सबसे पहले। भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में शुभारंभ किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में शुभारंभ किया गया था? जल्दी से आंसर करेंगे, भारत रत्न किस वर्ष में आरंभ किया गया था? जल्दी से आंसर करेंगे भाई। सी आंसर आया है, जल्दी से आंसर करेंगे, स्पीड बढ़ जानी चाहिए थोड़ी सी आंसर करने की, स्पीड बढ़ जानी चाहिए आंसर करने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। चलिए मुझे बताइए, इसके साथ एक बात बताइए कि जैसे मैंने बताया था कि मेजर ध्यानचंद में एक राशि मिलती है, तो ये बताइए भारत रत्न के लिए जो पुरस्कार मिलता है उसमें राशि कितनी मिलती है? ये आंसर करेंगे आप, कितनी राशि दी जाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कितनी राशि दी जाती है भारत रत्न के लिए?
कितनी राशि दी जाती है? बिल्कुल रितेश दैया ने बताया जी, 3 प्रश्न को दिया था। अरुण राजपूत जी ने मजाक करना शुरू कर दिया है। चलिए राशि बताएंगे जल्दी से, राशि बताएंगे जल्दी से। सोच रहे हैं सब, कितनी राशि? 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख या कोई राशि नहीं दी जाती? बताइए मुझे। चलिए सबसे पहले तो करेक्ट कर देते हैं, तेजस जी ने जो कहा है वो यही कहा है। सबसे पहले तो बता दें, देयर विल बी नो प्राइज मनी, इसमें कोई भी प्राइज मनी नहीं होती है, ध्यान देना बेटा। एक तो ये बात ठीक है, दूसरी बात कि इसमें क्या किया गया था, ये 4 लोगों को दिया गया था। बिल्कुल निल, बिल्कुल मनीष यादव जी ने लिखा है, सर मॉर्निंग वाले बैच में मैथ्स की डाउट क्लास लगा दो। एक दिन मैंने आपको कहा है बेटा कि आप एक बार रिसेप्शन पे बोला करो, वहां डाउट जो कंप्लेन रजिस्टर है उसमें डाल दिया करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को ये दिया गया था सबसे पहले पुरस्कार। ये 3 को नहीं था, 4 को था, और कोई भी राशि नहीं दी जाती है। और सबसे पहले कब दिया गया था? 1954 में इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड मैथ्स के जरा भाई आ जाओ यार, बिल्कुल तैयार है। शाम सुबह 9 से लेके रात के 7 बजे तक आप कभी भी अपने डाउट्स ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, कोई राशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन भारत रत्न से, कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया, यानी कि मृत्यु के बाद भारत रत्न किसे दिया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे, मृत्यु के बाद भारत रत्न किसे दिया गया है? और बता देना भाई सबको, संडे को क्लास है, मैराथन क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, शेयर कर देना। लिंक आपके ग्रुप में आ गया होगा, लिंक अभी आ चुका है आपके ग्रुप में, तो शेयर कर दीजिए उस लिंक को परसों तक, जितना भी हो सकता है परसों तक उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, परसों तक उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए जितना भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे, अमन पुनिया ने आंसर दिया है के कामराज। बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, देखते हैं बी विल बी द करेक्ट आंसर और नॉट। उसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देते हैं, उसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देते हैं। चलिए आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, चलिए आंसर देखिए इसका, जिसने भी आंसर दिया आंसर देखिए। कुछ बच्चे सी आंसर कह रहे हैं, देखिए इसका आंसर सी ही है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। इसके ऊपर मूवी भी बन गई है, आज तक बहुत बड़ा सस्पेंस रहा है कि एक बाहर जाने के बाद किस देश के व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है तो बेसिकली कैसे हुई थी। तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु के बाद इनको दिया गया था भारत रत्न। तो
तो जिसने के कामराज कहा वो गलत आंसर था, लाल बहादुर शास्त्री इज द करेक्ट आंसर, ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने थे, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को देखेंगे भाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसके कितने सदस्य देश हैं? ध्यान देना बेटा, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज ए मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 2014 एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एनडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक आंसर करेंगे भाई जल्दी से, आदित्य सर ने भी आज अपना प्रीशियस टाइम निकाला है, परसों फिर सबके साथ क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का जल्दी से, आसान आसान क्वेश्चन नहीं करने हैं, आसान आसान क्वेश्चन नहीं करने हैं, एक आधा मुश्किल क्वेश्चन भी करना है भाई, आसान आसान क्वेश्चन नहीं करने हैं, एक आधा मुश्किल क्वेश्चन भी करना है। चलिए आंसर बताइए भाई जल्दी से, आंसर बताइए जल्दी से, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके कितने सदस्य हैं? बी आंसर दिया है एक आध बच्चे ने, तो दीपक देसवाल ने 12, 12, 12, 12 इज नॉट द राइट ऑप्शन, 12 इज द नॉट राइट ऑप्शन। लिंक शेयर कर दिया है आपको, अभी एक लिंक शेयर किया गया है आपको, इस लिंक में आपको मिलेगा बेसिकली संडे की मैराथन क्लास का सिस्टम, यानी वो लिंक है जो संडे की मैराथन क्लास होगी उसका सिस्टम है। कुछ बच्चों ने 12 आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने डी आंसर दिया है, मैं आंसर करेक्ट बता देता हूं, डी इज द करेक्ट आंसर 5, इसको याद रखेंगे, BRICS, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स इज द राइट आंसर, प्लीज इसको रट ले, इसका क्वेश्चन होगा 5, इसका आंसर होगा 5 इस क्वेश्चन का, ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स विल बी द राइट आंसर। साहिल भी आए हैं, ब्रिक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पर एक राष्ट्रीय खेल संस्थान है, नेताजी सुभाष के नाम पर एक राष्ट्रीय खेल संस्थान है, वो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? आंसर करेंगे भाई जल्दी से, वो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है, वो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है, जल्दी से आंसर करेंगे भाई इसका। ऑप्शंस जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन भाई, बिल्कुल सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सब बच्चों ने आंसर किया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर इज राइट, पटियाला इज द राइट आंसर, पटियाला इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स होती है यहाँ पर और बहुत ही बड़ा संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट दिवस, आंसर करेंगे जल्दी से, आंसर करेंगे जल्दी से, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है?
देखिए जो ये खेल संस्थान है ये दुनिया का एशिया का बड़े खेल संस्थानों में आता है, बड़े खेल संस्थानों में आता है। आंसर करेंगे भाई जल्दी से, आंसर किया भी है बच्चों ने। वाह भाई वाह, बिल्कुल अभी एक दिन पहले। यस, इसी तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। 29 सितंबर इज द राइट आंसर, 29 सितंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, बच्चे अच्छी कोशिश कर रहे हैं। एक देखिए एसएससी जब भी क्वेश्चन दे रहा है तो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, ध्यान देना। कभी पंजाब का पूछ रहा है, कभी कर्नाटक का पूछ रहा है, अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। सोन चिड़िया, एशियाई कोयल, क्रेन क्रेन और भारतीय रोलर। और भारतीय, नॉट 29 अप्रैल, इट्स 29 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवी भी बनी है इसी राजकीय पक्षी के नाम पे, एक मूवी भी बनी है, मूवी भी बनी है इसी पक्षी के नाम पे, ध्यान देना भाई। मूवी भी बनी है, लिंक शेयर हो गया है संडे मैराथन क्लास का। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? वाह भाई वाह, बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिया है जिसने भी आंसर दिया है, सोन चिड़िया, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द राइट आंसर। और कैसी होती है ये सोन चिड़िया? इस तरह की होती है ये सोन चिड़िया, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, दैट इज इंपोर्टेंट एंड वेरी इंपोर्टेंट। एक स्टेट के बर्ड एसएससी पूछता है, एचएसएससी नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन ये भी एसएससी ने पूछा है तंजानिया की, देखिए जो भी कंट्री इस टाइम अगर, जो भी कंट्री इस टाइम अगर थोड़ा बहुत हाईलाइटेड होगी, वहां की कोई न्यूज ज्यादा आ रही है, तो उस कंट्री की कैपिटल आपसे पूछ ली जाती है, उस कंट्री की कैपिटल आपसे पूछ ली जाती है। तो बताइए तंजानिया की राजधानी कौन सी है? कैपिटल ऑफ तंजानिया, कैपिटल ऑफ तंजानिया। वाह भाई वाह, क्वेश्चंस जीके को याद रखना तो उसका तरीका है बार बार प्रैक्टिस। वो टॉपिक को पढ़ो, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो, बाकी छोड़ दो भगवान पे। बार बार कह रहा हूं, टॉपिक पढ़ा, क्लास में टीचर ने पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस करी, उसके बाद उसको एक बार पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस। बिल्कुल भाई, झड़ी लगा दी आंसर की, डोडोमा इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी आंसर दिया है वो बधाई के पात्र हैं, इन्होंने भी आंसर दिया है वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने जीत ली है बहुत सारी दुआएं, जिससे होगा उनका टेस्ट क्लियर, पैसे भी मिलेंगे, जैसे ही जॉब लग जाओगे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है। और गवर्नमेंट जॉब का तो एक अलग ही, यहाँ गवर्नमेंट जॉब वालों की बड़ी इज्जत है भाई, गवर्नमेंट जॉब वालों की बड़ी इज्जत है, रिश्ते भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब होना अगर हरियाणा की बात करें तो बड़ा एक रिस्पेक्टफुल माना जाता है, चाहे वो जॉब पीएन की ही हो, ठीक है। और अगर इतनी इसी तरीके से आप आंसर देते रहे, ठीक आंसर देते रहे, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्व राष्ट्रपति नहीं है? रितेश दहिया सबसे ज्यादा खुश हुए हैं, तो रितेश दहिया जी आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस में।
बाकी स्टूडेंट भी कोशिश कर रहे हैं, तो आंसर दे दीजिए रितेश अब इसी बात पे जल्दी से, आंसर क्या कहता है? अच्छा आपको बताऊंगा मैं इसकी फुल फॉर्म, एक अलग से एक दिन बताता हूं मैं इसकी फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्व राष्ट्रपति नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर के आर नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। देखिए आपका प्रेसिडेंट का टॉपिक हो चुका है, प्रेसिडेंट आपको सीक्वेंस से याद करना है, पहले से लेके प्रेजेंट तक याद करना है, और बीच में आपको इनमें से एक नाम नहीं दिखेगा और वो नाम आपने बताना है, वो बीच में जो नाम नहीं दिखेगा वो नाम आपने बताना है। चलिए जिन्होंने भी आंसर दिया है सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। C is the correct answer. ये लीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, बाकी सारे के सारे क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे, बाकी सारे के सारे क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो भी, देखिए आप पढ़ाई को ना थोड़ा सा आसान बना दीजिए, पढ़ाई को बड़ा मुश्किल मत बनाइए, पढ़ाई को थोड़ा सा आसान बना दीजिए, पढ़िए। और ये जो लास्ट के जो 15 डेज होते हैं ना, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल डेज, जितना हो सके अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। देखिए आपके हाथ में कोशिश करना, आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, देखिए कर्म करिए फल की चिंता मत करिए, आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, डेफिनेटली आपको भगवान, देखिए मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती जिंदगी में, एक बात याद रखना, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं आप मेहनत कीजिए, डिस्ट्रक्शंस है दुनिया लाइफ में। देखो स्टूडेंट्स के लिए आज डिस्ट्रक्शंस क्या है, बड़े कम से डिस्ट्रक्शंस हैं। अगर देखा जाए तो आप फेसबुक है तो उसको थोड़े टाइम के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए, इंस्टाग्राम है तो उसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, और अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आपने क्या करनी है, मेहनत करनी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो भाई कल तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है। इस 2 तारीख को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर, 2 तारीख को आपकी 7 घंटे की लगातार एक मैराथन होने वाली है, उस मैराथन के लिए तैयार हो जाइए और शेयर कर दीजिएगा जो भी आपको लगता है, कोई ग्रुप है, पूरी जीएस की टीम होगी, कल हम आपको बताएंगे कि कौन कौन टीचर्स इसमें पढ़ाएंगे, पूरी जीएस की टीम होगी और 7 घंटे लगातार जीके जीएस और करंट अफेयर जो आपके हरियाणा सीटी में काम आएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में काम आएगा और एसएससी में भी काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल आप रेस्ट करेंगे, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और परसों सुबह मिलते हैं 7 बजे किसके लिए, मैराथन के लिए, और साइंस की क्लासेस भी होंगी, मैथ की सॉरी पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, करंट अवेयर भी और मिसलेनियस भी। शायद विकास सर छुट्टी पे है, अगली मैराथन में विकास सर भी आपको यहीं पे मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।